Suhain, welcome back to this another episode with me, Arshi. Today I have somebody you aspire to be like, because I think हर साल जितने भी aspirants CAT के लिए, that के लिए aspire कर रहे होते हैं, या specifically जो CAT के लिए aspire कर रहे होते हैं, they wanted to get into all these IIMs. And specially अगर IIT का टैग मिले प्लस IIM का टैग मिले तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा काइंड ऑफ अ थिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें होती हैं जो जर्नी में, जो प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स के दिमाग में होती है, या फिर इवन आप जब अपना MBA कंप्लीट करते हो तो लाइफ कैसी होती है, दैट आई एम गोना डिस्कस इन दिस स्पेसिफिक एपिसोड. सो बिफोर स्टार्टिंग माय क्वेश्चंस, वी हैव अंशुल वर्मा ऑन विद मी, राइट? अंशुल, आई मीन प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सो दैट दे विल गेट टू हैव एन आइडिया दैट व्हाट वी आर गोना डिस्कस इन दिस एपिसोड. या ओवर टू यू. Yeah, sure. So, hi everyone. I am Anshul. I have talking about my history. I have done MBA from IIM Mumbai. I am 2022 pass out. Before I studied in IIT Delhi also. And talking about my experience from last 2.5 years, I am working as a key account manager in Javis Technologies Limited, situated in located in Gurgaon. आपने IIT भी एक्सपीरियंस किया है और आपने IIM भी एक्सपीरियंस किया है. व्हाट वी सी इन ऑल दीज वीडियोस एंड इंटरव्यूज, जहाँ पे जो एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो वहां से जो एलुमनाई हैं जो बात करते हैं, दैट इज अबाउट देयर लाइफ, राइट? अगर हम पढ़ाई की बात करें तो मोर और लेस कई सारे और भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे सेम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन मिल जाती है, बट वी टॉक अबाउट द सॉर्ट ऑफ पीपल कम ऑल टुगेदर. सो आपको क्या डिफरेंस लगा एंड व्हाट यू फील कि मैंने MBA करते टाइम ये सीखा विच वॉज एब्सोल्युटली डिफरेंट जब मेरा IIT का एक्सपीरियंस था, एंड कॉर्पोरेट जाने के बाद एग्जैक्टली क्या हेल्पफुल रहा, दैट आई वांट टू नो फ्रॉम योर एंड. सी देखिए, टू थिंग्स, राइट? वेन यू गो लाइक अ कॉलेज लाइक आई एम मुंबई, राइट, यहाँ पे दो चीजें रहती हैं. एक तो आपको टीचर्स की क्वालिटी, ऑब्वियसली दैट इज गारंटीड, राइट? इफ यू आर अ टीचर इन दैट, सपोज हम लोग के तो स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है, राइट, कि चलो उस कॉलेज पहुंचे. लेकिन आप खुद सोचो, जो वहां पे टीचर बन रहा है उसने कितना क्वालिफिकेशन और कितनी नॉलेज गेन की होगी टू रीच दैट पोजिशन. तो एक अच्छा टीचर ऑब्वियसली एक इंटर्न होता है ताकि वो टीचर को स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड कर सके, करेक्ट? एंड मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. जब मैं IIT दिल्ली में पढ़ रहा था, राइट, मुझे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था काफी. प्रोफेसर देशमुख है वहाँ पे, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं. उनसे मेरी बात हुई, उनसे जब मैं बात करने लगा, उन्होंने मुझसे कहा यार तुम्हारा मैंने सप्लाई चेन में अपना एजुकेशन बताया, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया यार एक कॉलेज है नीटी, उस समय नीटी था, गो फॉर इट. सो आप ये सोचो, मेरा जो मैं आया हूँ यहाँ पे फ्रॉम अ टीचर फ्रॉम IIT दिल्ली, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया, दैट शोज की जो टीचर का कितना बड़ा रोल है जहां पे आप पहुंच रहे. सेकेंड थिंग इज स्टूडेंट्स जो आपके आसपास, वो आपका काफी डिटरमिन करता है. एंड सिंपल, राइट, देर इज अ वेरी फेमस कोट, इफ देर आर फाइव पीपल्स इन ए रूम एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट इन दैट रूम, दैट डजेंट मीन यू आर वेरी इंटेलिजेंट, दैट मीन्स यू आर इन द रॉन्ग रूम, राइट? एंड वो सिर्फ कोट नहीं है, वो बहुत सही है करता. आप जहां पे रहते हो, हर कोई, देखिए आपके अंदर कोई स्किल हो सकती है, मानता हूं, लेकिन अगर आप चार लोगों के साथ हो ना, उनकी भी अपनी अपनी स्किल है, हर किसी से आपको सीखने को मिलता है. एंड जितना आप उनके साथ ग्रुप वर्क करते हो, कॉलेज लाइक आई एम मुंबई, जैसे आपने बताया, मेन चीज क्या है, मेन चीज है जो केस स्टडी हम करते हैं या जो केस स्टडी कॉम्पिटिशन करते हैं, जिसमें बिजनेस के रियल टाइम सिनेरियोज आते हैं, राइट, उसमें क्या होता है, उसमें चार लोग बैठते हैं, एक दूसरे की सबकी स्किल्स रहती है, दे डिवाइड एंड फिर कॉन्कर, कॉन्कर मीन्स गो टू द रिजल्ट, किल इट, राइट? वो जो पूरा डिवाइड और कॉन्कर है, यही तो करना है हमें कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट में भी ऐसा नहीं रहता है, जितना मेरा 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है. देखिए सिंपल सा है, आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, वो प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए. वो प्रोजेक्ट अगर अच्छा नहीं हुआ और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, राइट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोजेक्ट जो आपको दिया गया उसको प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट करो. एंड वो तभी हो सकता है जब उसकी एक टाइमलाइन है, उसको प्रॉपरली मीट करो, जो आपने कमिटमेंट किए थे उसको पूरा करो, एंड वो सिर्फ टीम वर्क से पॉसिबल. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई मीन आई थिंक लोगों से उनकी सैलरी और उनका कैट का परसेंटाइल नहीं पूछ रही, बट वॉट वॉज योर कैट परसेंटाइल जब आपने अपेयर किया था? आई वुड लाइक टू हाइड राइट नाउ, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि आप जब यहाँ पे, वेन यू टॉक अबाउट आई एम मुंबई, राइट, एंड वेन यू वॉन्ट टू गो हेयर, मैं नहीं चाहता कि आपकी जो परसेंटाइल है बहुत हाई हो या बहुत लो हो, उससे आप अपने उस माइंडसेट पे आओ. आपकी कैट की परसेंटाइल और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू आप पार हो जाइए, यार जैसे आपने एग्जाम दिया, एज सून एज यू गो इन आई एम मुंबई, दैट बिकम सेटल्ड, राइट? मैं अपने बारे में बस इतना बता सकता हूँ कि इफ आई टॉक अबाउट, आई वॉज वन ऑफ द बैच हाईएस्ट CGPA, आई वॉज इन द टॉप 5, राइट?
placement wise also I was in the top five in the placement. Top five students I'm talking about. I'm talking the package amount, right? That's a brief I can do. But मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि that आपका CAT percentile नहीं decide करता आपने MBA में क्या किया. MBA में what how you 2 साल आपने काम किया वो decide करता है कि आप end कहाँ पहुँच रहे हो. और मैं तो fresher हूँ. Then I get that salary. Yeah. So, abhi like students ke paas, we are sitting in the month of September. They just have September, October, and November. अगर हम देखें तो 3 महीने भी properly नहीं है. आपके हिसाब से क्या हाँ strategies होनी चाहिए? You know, because obviously, you know, तो percentile is not the only parameter to get into all these IIMs. It's more of a profile करेक्ट thing. But still, you know, there are minimum requirement in terms of CAT percentile also. अगर आप older IIMs की बात करें या BB या new IIMs की बात करें, तो what do you will suggest? You know, क्या strategies होनी चाहिए? Because obviously हम ये बोलें कि अपने weak section पे तो वो time निकल चुका है because already students का syllabus करेक्ट हो चुका होगा. तो ये 3 महीने की क्या strategies होनी चाहिए? सी मैं तो ये कहूंगा मॉक्स दो यार. मॉक्स आप लोग आप समझ नहीं रहे हो. मैंने कई लोगों का देखा है. कई लोग मिस्टेक्स करते हैं तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से उनको बताना चाह रहा हूँ. कई लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, पता है क्या करते हैं कि देश है कि पूरा जब मेरा कोर्स प्रिपेयर हो जाएगा, सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा, सारी बुक पढ़ लूंगा तब मैं मॉक्स शुरू करूंगा. ये बहुत ही गलत माइंडसेट. क्यों? क्योंकि जितना आप मॉक्स देते हो उतना आपको पता चलता है आपका वीक पॉइंट क्या है. और आपको अगर वीक पॉइंट नहीं पता चलेगा तो आप इंप्रूव क्या करोगे. तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा फॉर ऑल द पीपल हु आर सिंस दे आर ओनली 3-4 months लेफ्ट, जस्ट गो फॉर द मॉक्स. वहां पे अपनी कमी पता करो, उस कमी के लिए पैरेलल टाइम दो जिसमें उसको तुम इंप्रूव कर सकते, राइट? सो गिव एवरी डे, जस्ट गिव अ पर्टिकुलर टाइम टू मॉक. उसमें जो अपनी गलतियां हैं वो सीखो. तुमको पता चल जाएगा ये 1, 2, 3, 4 टॉपिक हैं, राइट, जिसमें मुझे इंप्रूव करना है. इंग्लिश का हो सकता है या इन अदर टॉपिक्स, जो भी टॉपिक तुमको लगे कि इसमें मुझे इंप्रूव करना है उसके लिए पहले टाइम तो उसको पढ़ो. इट्स वो टाइम गया अभी कि आप पूरा सोचोगे सारा सिलेबस मैं पढ़ने वाला हूँ. नाउ इज द 3 टाइम 3 मंथ्स. और अगर आप ये सोचोगे ना कि आप लास्ट मंथ में ही सीधे दोगे वो मॉक, राइट, दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी. बिकॉज कई कमियां आपकी ऐसी हो सकती है जिसमें आपको रूट से पढ़ना पड़े. कई टॉपिक ऐसे हो सकते हैं रिलेटेड टू मैथ्स और रिलेटेड टू एनीथिंग जिसमें आपको रूट से पढ़ना पड़े, आपको डीप डाइव करना पड़े. वो टाइम आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप लास्ट मंथ कर. तो दैट वुड बी माय सजेशन. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.